मिस वर्ल्ड का ताज हासिल करना किसी भी लड़की के लिए ही नहीं बल्कि उसके देश के लिए भी गर्व की बात होती है। 2017 में यह ताज जीतकर मानसी छिल्लर ने भारत की शान बढ़ाई थी। वहीं इस साल चीन के सानिया शहर में शनिवार को आयोजित हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मैक्सिको की वनेसा पॉन्स डी लियोन ने यह खिताब जीतकर मैक्सिको की शान बढ़ा दी है। बता दें कि प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप मिस थाईलैंड निकोलिन लेक्सकानन रही। दुख इस बात का है कि भारत को प्रेजेंट करने वाली अनुकृति वास टॉप 12 में भी नहीं पहुंच पाई। बता दें कि मैक्सिको के लिए यह गर्व की बात है क्योंकि वनेसा पहली मैक्सिकन गर्ल है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज हासिल किया है। पिछले साल भारत की मिस वर्ल्ड रही मानसी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2018 वनेसा पॉन्स डी लियोन को अपने हाथों से यह ताज पहनाया। वनेसा का जन्म 7 मार्च 1992 को हुआ था। वह एक मॉडल है। भारत के अनुकृति वास ने जून में मिस इंडिया प्रेजेंट का खिताब जीत लिया था। मिस इंडिया का ताज अनुकृति को मानुषी नहीं पहनाया था, इसलिए भारत को अनुकृति से उम्मीदें थी कि मानुषी उन्हें ही मिस वर्ल्ड का ताज भी पहनाएंगी। मैक्सिको की वनीसा से मिस वर्ल्ड बनने के लिए जब यह सवाल पूछा गया कि वह अपने इस खिताब का इस्तेमाल किस तरह से करेंगी, तो इस पर वनीसा ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से दुनिया में सबको केयरिंग और लविंग होना चाहिए। जैसा मैं पिछले 3 साल से करती आ रही हूँ, वैसा ही मैं करती रहूंगी। केयरिंग और लविंग होना बेशकीमती है। अगर किसी की मदद करें तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। बता दें कि भारत की तरफ से अब तक 6 सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है, जिसमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।